Hello students, welcome. How are you? Are you ready for learning? Today topic is transformation, affirmative to negative. This is the third video of affirmative to negative. I'll part third. Before it, you had been taught affirmative to negative through two videos. इसके पहले आपको दो वीडियो के माध्यम से अफर्मेटिव टू नेगेटिव के कुछ रूल्स बताए गए। आज भी पुनः पार्ट थर्ड के रूप में अफर्मेटिव टू नेगेटिव के ही कुछ वाक्यों के अफर्मेटिव टू नेगेटिव का ट्रांसफॉर्मेशन का टीचिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसे आप ध्यान से देखेंगे सुनेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत अफर्मेटिव टू नेगेटिव बनाने के लिए कुछ ऐसे वाक्यों को आपके सामने पेश किया जा रहा है जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हें टिपिकल माना जाता है। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट के रूप में है, इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद एज सून एज, यदि किसी वाक्य की शुरुआत एज सून एज से हो तो उस वाक्य का अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाते हैं, यह आपको इसके अंतर्गत बताया जाए। जैसे कि एग्जांपल के लिए यह सेंटेंस है जिसकी शुरुआत एज सून एज से हो, लिखा एज सून एज ही सॉ द टीचर ही एंटर्ड द क्लास। There are two parts in this sentence. First part, he saw the teacher, and second part, he entered the class. As soon as के माध्यम से वाक्य में दो पार्ट हैं, कामा के इधर फर्स्ट और कामा के उधर सेकंड। ऐसे वाक्य आपके सामने आ जाए उन्हें निगेटिव के रूप में ट्रांसफर करने को कहा गया हो तो किस तरह आप उसे चेंज करेंगे निगेटिव के रूप में, तो आपके सामने एक फार्मूला है। यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला टू चेंज दिस टाइप सेंटेंस इनटू निगेटिव। करना क्या है, इजी वे है, सरल तरीका है। आप मेंटली अगर ध्यान से सुनेंगे देखेंगे तो आपके समझ में तुरंत आ जाएगा। करना क्या है, एज सून एज के स्थान पर आपको नो सूनर डिड का प्रयोग करना है। अक्सर एज सून एज वाले वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में ही होते हैं, इसीलिए डिड का प्रयोग यहां बताया जा रहा है। एज सून एज के स्थान पर नो सूनर डिड, उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, जैसा कि बताया गया वाक्य में दो पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट को आप यहां रख दें, अर्थात कामा के पहले वाले भाग को यहां रख दें, उसके उपरांत कामा के स्थान पर देन का प्रयोग करें और देन का यूज करने के बाद आप सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस अर्थात जो शेष सेंटेंस बचा है उसे लिख देंगे। तो एज सून एज के स्थान पर नो सूनर डिड, उसके बाद फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, उसके बाद देन, उसके बाद सेकंड पार्ट सेंटेंस, ऐसा करना। अब देखें कैसे, प्रैक्टिकली देखें। As soon as के स्थान पर no sooner did, no sooner did, अब कह रहा फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस ही, लेकिन ध्यान देंगे जब did का प्रयोग हो गया, जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके पहले टेंस के वीडियोज अपलोड किए गए थे उसमें आप पास्ट इंडेफिनिट पढ़े होंगे। जब डिड का प्रयोग कर देते हैं तो उस वाक्य का वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो जाता है, तो सा यहां सेकंड फॉर्म में है, जब डिड का प्रयोग हो गया तो सी हो जाएगा। तो नो सूनर डिड ही सी द टीचर, फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस हो गया, उसके उपरांत देन का यूज करना था, कामा के स्थान पर देन का यूज करें, देन
उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस का जिस जो शेष बचा उसे आप लिखिए। ही एंटर्ड द क्लास। इस तरह से नो सूनर डिड ही सी द टीचर देन ही एंटर्ड द क्लास एज सून एज वाला वाक इसी फार्मूला को फॉलो करते हुए निगेटिव के रूप में चेंज कर दिया जाएगा। चाहे जो वाक एज सून एज के माध्यम से आए तो आप इसी फार्मूला को फॉलो करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको इस सूत्र के माध्यम से वाक को चेंज करना है। यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला टू चेंज दिस टाइप सेंटेंस इनटू निगेटिव। अब दूसरा पॉइंट है इफ द सेंटेंस हैज श्योर आर डाउटफुल एंड वेदर आर इफ। अर्थात ऐसा वाक जिसमें श्योर अथवा डाउटफुल हो, यानी वर्ड के रूप में श्योर लिखा हो अथवा डाउटफुल लिखा हो, और साथ ही साथ वेदर अथवा इफ हो, तो ऐसे वाक्यों का जब निगेटिव बनाना होगा तो आप क्या करेंगे? यू हैव टू नो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए है ए सेंटेंस आई एम डाउटफुल वेदर ही इज अ थिंग। डाउटफुल वर्ड यहां आया और साथ ही साथ वेदर, जैसा कि यह वाक का शर्त है कि श्योर अथवा डाउटफुल और वेदर अथवा इफ वाक्य में होना चाहिए। नाउ यू हैव टू नो हाउ टू चेंज दिस टाइप सेंटेंस इनटू नेगेटिव। आपको यह जानना है कि इस तरह के वाक को कैसे नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो आप ध्यान से सुनेंगे। करना क्या है, डाउटफुल यदि वाक्य में हो, ध्यान से सुनेंगे, डाउटफुल यदि वाक्य में हो तो निगेटिव बनाते समय डाउटफुल के स्थान पर नॉट श्योर लिख देंगे और वेदर के स्थान पर दैट लिख देंगे। अगेन आप सुने, लिसन टू मी अगेन। डाउटफुल के स्थान पर नॉट श्योर और वेदर के स्थान पर दैट। इसी का उल्टा, अगर श्योर यहां हो डाउटफुल के स्थान पर तो नॉट डाउटफुल और वेदर अथवा इफ हो तो दैट। अर्थात कहने का अर्थ है यदि श्योर हो वाक्य में तो डाउटफुल लिखना है नॉट के साथ, और डाउटफुल यदि लिखा हो तो श्योर लिखना है नॉट के साथ, और वेदर हो या इफ हो दोनों में से कोई भी हो उसके स्थान पर दैट लिखना, बस इतना करना है आपको। अब इस वाक्य में डाउटफुल है तो आपको क्या लिखना है, श्योर। तो आई एम निगेटिव बनाना है इसलिए नॉट का प्रयोग होगा। नॉट आपको बताया गया डाउटफुल हो तो श्योर, तो आई एम नॉट श्योर। अब आपको क्या बताया गया, वेदर अथवा इफ के स्थान पर दैट, दैट ही इज अ थीफ। इस तरीके से I am not sure that he is a thief। वाक नेगेटिव में चेंज हो गया। माना कि यही वाक आप यहाँ श्योर करके देखें और यहाँ कोई दूसरा वाक करके देखें, जैसे लिखा होता I am sure if he is an honest man, तो श्योर होता तो क्या करना पड़ता, डाउटफुल आपको यहां लिखना पड़ता नाट के साथ, और इफ के स्थान पर आपको दैट लिखना पड़ता। तो कुल मिलाकर करना क्या है, एक बार पुनः सुन लें। वाक्य में यदि श्योर हो तो नाट के साथ डाउटफुल लिखें, अगर डाउटफुल हो तो नाट के साथ श्योर, और हेदर और इफ के स्थान पर दैट का प्रयोग करें, वाक्य निगेटिव में चेंज हो जाए। अब इसके आगे आपको अगला पॉइंट बताया जा रहा है, उसे भी ध्यान से देखेंगे। जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स चाहे ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो उसे सीरियसली नहीं लेते हैं,
क्लास को फिजिकली तो अटेंड करते हैं, लेकिन मेंटली शारीरिक रूप से तो क्लास अटेंड करते हैं, लेकिन मानसिक रूप से नहीं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास ऐसे स्टूडेंट इसी तरह अटेंड करते हैं, सामने बैठे रहेंगे लेकिन दिमाग चौराहे के समोसे पर रहेगा, सड़क के चाट पर दिमाग रहेगा। तो मेंटली जब क्लास में नहीं बैठते हैं, अर्थात मानसिक रूप से क्लास को अटेंड नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से वो समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आप कॉन्सेंट्रेट दिमाग करके अपना, तभी किसी भी चीज को सीखें, वो चाहे जो चीज हो। अब आपको बताया जा रहा है इफ द सेंटेंस हैज ऑलवेज व्हेन, इफ द सेंटेंस हैज ऑलवेज व्हेन, यदि वाक्य में ऑलवेज और व्हेन जैसे एग्जाम्पल के लिए ही इज ऑलवेज बिजी व्हेन आई गो टू हिम, वाक्य का शर्त है कि वाक्य में ऑलवेज और व्हेन, जैसा कि एग्जांपल बताया गया ही इज ऑलवेज ऑलवेज आया, बिजी व्हेन व्हेन आया, तो ऑलवेज और व्हेन दोनों। अब ऐसे वाक्यों को अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना, यू हैव टू चेंज दिस टाइप सेंटेंस इनटू नेगेटिव। तो कैसे, आप ध्यान से सुनेंगे। ऑलवेज के स्थान पर आपको नेवर लिखना और व्हेन के जस्ट पहले बट का भी प्रयोग करना। लिसन टू मी अगेन, ऑलवेज के स्थान पर नेवर और व्हेन के जस्ट पहले बट, इसी फार्मूला को फॉलो करोगे, ऐसा वाक निगेटिव में चेंज हो जाएगा। इजी वे है, सरल तरीका। तो इस वाक को आप चेंज करें, ही इज ऑलवेज को नेवर किया, बिजी व्हेन के पहले बट लगाना था, बट व्हेन आई गो टू हिम। इस तरह से वाक अगर ऑलवेज और व्हेन आए, तो आपको इस तरह से वाक को निगेटिव में चेंज करना, ऑलवेज के स्थान पर नेवर और व्हेन के जस्ट पहले बट। आई होप आप समझ गए होंगे, इजी वे है, सरल है। इस तरह से कोई भी वाक अगर ऑलवेज और व्हेन सहित आपके सामने हो, तो आप उसे निगेटिव में इस फार्मूला के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब आपको अगला पॉइंट बताया जा रहा है, इफ इफ द सेंटेंस स्टार्ट with few are very few यानी वाक्य की शुरुआत
फ्यू अथवा वेरी फ्यू से हो। इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद फ्यू आर वेरी फ्यू, यदि वाक्य की शुरुआत फ्यू अथवा वेरी फ्यू से हो तो कैसे आप उस वाक्य को निगेटिव में चेंज करो। हाउ टू चेंज दिस टाइप सेंटेंस इनटू नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल फ्यू स्टूडेंट्स वुड लाइक टू अटेंड दिस क्लास There is a sentence, for example, few students would like to attend this class. What is the word? Few se. You have to change this sentence into negative. आपको यह sentence negative में change करना है, तो कैसे change करेंगे? बहुत easy way है. Few अथवा very few से जब वाक्य की शुरुआत हो, तो आप इसी के स्थान पर अथवा few अथवा very few के स्थान पर नॉट मेनी का प्रयोग कर। लिसन टू मी अगेन, फ्यू और वेरी फ्यू जो भी हो उसके स्थान पर आपको नॉट मेनी लिख देना। फ्यू अथवा वेरी फ्यू के स्थान पर नॉट मेनी का प्रयोग करते हुए पूरे वाक्य को ज्यों का त्यों ही लिख देना। तो नॉट मेनी स्टूडेंट्स would like to attend this class. So not many students would like to attend this class. Few अथवा very few से कोई भी वाक्य आपके सामने हो और उसे नेगेटिव में चेंज करना हो तो आपको फ्यू अथवा वेरी फ्यू के स्थान पर नॉट मेनी लिख देना होता। आई होप आप समझ गए होंगे जितने भी रूल्स बताए गए, आप सभी रूल समझ गए होंगे और इसका प्रैक्टिस भी आप अपने ग्रामर बुक के माध्यम से कर लेंगे। योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन शेयर इट टू मी। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप उसे शेयर करिएगा, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और वीडियो देखने के पहले या देखने के बाद आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि अपलोडिंग वीडियो जा के समक्ष पहुंचे और आप उसका लाभ लें। आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। थैंक यू सो मच, बाय, सी यू द नेक्स्ट क्लास।